इसी मैच पे ये तो आपने भी माना और सुनील गावस्कर साहब भी कहते हैं कि शायद बड़े मैच से पहले, मैच में नहीं मैच से पहले कुछ आप अलग करने की कोशिश करते हैं, शायद वो हार का डर। और यहाँ पे जैसे अश्विन को ड्रॉप किया उस वक्त, दो चीज़ें, पहले दिन जब टॉस पे इंडिया ने कहा आप बैटिंग करो इंग्लैंड को और ऑस्ट्रेलिया को, और अश्विन को ड्रॉप किया चार तेज गेंदबाज, आप हैरान हुए थे उस वक्त क्योंकि लंदन का वेदर सबको पता था। देखिए, आप जब टेस्ट मैच की टीम सिलेक्ट करते हो तो 5 दिन के हिसाब से करते हो। इसमें दो चीज़ है, एक दोनों टीमों अगर टॉस में देखेंगे, दोनों टीमों ने डिसाइड किया था कि फील्डिंग करेंगे, ऑस्ट्रेलिया भी भारत भी। और पिछले साल जब 22 में 21 में जब भारत यहाँ पे अच्छा खेला, ऐसे ही अटैक से आप खेले, जडेजा खेल रहा था, चार फास्ट बॉलर से खेल रहे, वही टीम में रोहित था, वही टीम में विराट था, भी सब थे। तो जब आप बैठते हो एक साथ, रहाने था, अभी वाइस कैप्टन कौन है इस टीम, अभी कोई भी नहीं, जो भी हो पुजारा था उस टीम में, तो जब भी आप बैठ के डिसाइड करते हो तो ये राहुल का अकेला डिसीजन नहीं होता, ऑब्वियसली। तो वो भी बोले होंगे कि हम इन कंडीशंस पे चार तेज गेंदबाजों के साथ अच्छे खेले हैं, तो उसी को क्यों ना आजमाया जाए। अगर मैं कैप्टन होता तो मैं अश्विन को खिलाता ही, क्योंकि चार लेफ्ट हैंडर है, चार लेफ्ट हैंडर है, और ऑस्ट्रेलिया पे एक हवा भी है उनका, और वो मेरा डिफेंसिव बोलर भी बनता पहले पारी में, या रन रोकने हो, तीन फास्ट बॉलर को रोटेट कराए और अश्विन और जडेजा को एक तरफ से डिफेंसिव माइंडसेट पे खेले, बल्लेबाजी भी वो करते हैं जैसा जैसे शार्दुल हो बल्लेबाजी करते हैं। जडेजा का तो 300 है टेस्ट में, इनके 500 है टेस्ट में, बट मैं समझता हूँ जडेजा उनसे ज़्यादा अच्छे बल्लेबाज हैं टेस्ट क्रिकेट में। तो ये एक सोच है, बट जब आपने डिसाइड किया कि आप चार तेज गेंदबाजों से खेलोगे, जो सेकेंड डे पहला सेशन की गेंदबाजी हुई है, जो बाहर से, और मैं बाहर से हूँ, आप भी बाहर से देख रहे हैं, मोहम्मद सिराज ने एक गेंद फेंका था स्टीव स्मिथ की तरफ सुबह सुबह, उसके बाद से बॉलिंग अलग ही हो गया दोनों एंड से, वो मिसिंग था पहले। वो अग्रेशन, वो चढ़ के, वो इंटेंट वो मिसिंग था। बैटिंग देख के आप हैरान होते हैं दादा, क्योंकि इंडिया प्राइमरीली हमेशा एक बैटिंग टीम रही है, बट अगर आप पिछले कुछ सालों के आंकड़े उठाएं तो बॉलर्स आपके विदेश जाके बेहतर करते हैं, बैटिंग उतने रन आपके नहीं बन पाते हैं। बनाने पड़ेंगे, और मेरा राहुल द्रविड़ से कल ये बात हुई है कि अगर आपको टेस्ट मैचेस जीतने इंडिया के बाहर कहीं भी कहीं पे भी, पहली पारी में 350 बनाने ही पड़ेंगे। और ये हमारे समय भी था, आप अनिल कुंबले उस समय सीनियर बॉलर थे, वो टीम मीटिंग में बोलते थे कि मुझे रन्स दो मैं जिताऊंगा, और जीते भी हैं। राहुल द्रविड़ ने कितने बड़े रन बनाए, तेंदुलकर ने, सहवाग ने, लक्ष्मण ने, मैंने, तो आप अगर स्टैट्स उठा के देखें, जब भी भारत अच्छा खेला है, एडिलेड में हो, कैलकाटा में हो, इंग्लैंड में हो, 450 रन बोर्ड पे, फिर गेम ही अलग हो जाता है। जो ऑस्ट्रेलिया ने किया, पहली पारी में 470 करके इतना दबाव डाल दिया भारत के ऊपर, फिर रिकवर नहीं हो पाया। इस स्थिति में अगर ऑस्ट्रेलिया होता तो वो भी हारते ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। तो ये गेम ना चेस जैसा है, आपको कुछ चीज़ें, जितनी भी प्लानिंग करो, जितनी भी ट्रेनिंग करो, उस समय कुछ चीज़ें आपको सही करनी ही पड़ेगी। ये तो है कि इंडिया 5वें दिन नहीं हारा, वो उस दिन आप सुबह थे आज तक पे भी, जब 280 रह गए थे और 444 रन, जब क्रिकेट हिस्ट्री में कभी चेज नहीं हुए, तो आप कैसे उम्मीद कर लें कि हो जाएंगे। इंडिया के लिए मुश्किल तभी हो गया जब उन्होंने 480 बनाए और इन्होंने 200, उस दिन की बैटिंग आपकी वो मरवा दी, इन्होंने 200, बट यहां पे भी 7 विकेट आपके 70 रन में गिरी है लास्ट दिन, वहां पर भी थोड़ा फाइट होता ना, आप मतलब थोड़ा और करीब जाते तो लोग शायद कहते कि ठीक है यार कोई बात नहीं, वन, जो ये कहते हैं कि एक खराब आधा घंटा, ये हर बार ये सुनने में आता है यार, वन बैड हाफ एन आवर हो गया, यहाँ ऐसा नहीं है ना। बिल्कुल, आई थिंक बैटिंग, एंड आई सेड टू राहुल दैट यू नो यू विल हैव टू लुक इनटू दिस, अदरवाइज यू नो अगर 400 रन नहीं बनाएंगे तो टेस्ट मैच नहीं जीतेंगे। हरभजन सिंह आपके वो भी थे उसी शो में, उन्होंने ये बड़ा अच्छा बोला, उन्होंने कहा कि आप इंडिया में टर्निंग ट्रैक्स पे खेल रहे हो, जो ढाई ढाई दिन के मैच, उसमें स्पिनर्स विकेट लेते हैं, बाहर आप स्पिनर खिलाते नहीं, फास्ट बॉलर से 3 ओवर का स्पेल डलवाते हो, यहाँ पे 9 का भी डलवाना पड़ता है और वो शायद दिक्कत आती है, बट बैट्समैन आपके वहाँ पे उनको लंबी इनिंग, 1 दिन, सवा दिन, 1.5 दिन खेलने की आदत ही नहीं रही,
और वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, ना उनका कॉन्फिडेंस होता है, उनकी एवरेजेस गिर चुकी हैं, तो वो भी एक फैक्टर है. है फैक्टर, क्योंकि क्योंकि इतना आसान नहीं है इंडिया में रन बनाना उन पिचेस के ऊपर, तो वो बैलेंस रखने पड़ेंगे. मैं ड्राविड का एक बात से सहमत हूँ कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के लिए आपको कहीं ना कहीं आपके पॉइंट्स की तरफ देखने पड़ते हैं, आपको आपको बाकी टीमों के साथ वो आपकी जो पॉइंट्स है उस पर आपको आगे रहना ज़रूरी होता है. तो कभी कभी आप ऐसे विकेट पे खेल लेते हो, वो मैं समझता हूँ, बट हर समय नहीं. एक सजेशन है आपका इंडियन क्रिकेट टीम को, बिकॉज वर्ल्ड कप ईयर है, वर्ल्ड कप आने ही वाला है, एशिया कप भी शायद होगा. अब वनडे की बात कर रहे हैं, टेस्ट की, ओवरऑल बिना डरे खेले. मुझे बहुत ऐसा लगता है कि बहुत बहुत रिस्ट्रिक्टेड है. मैं उसको फियर ऑफ फेलियर कहता हूँ, हार का डर, जो भी हो, कंजर्वेटिव है बहुत. ऑन अ बिग डे, बड़े दिन. एब्सोल्युटली.